आप आपका स्टेमिना 1 से 2 दिन तक टिका सकते हैं, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। काफ़ी लोग मेरे तरफ आते हैं, ऑनलाइन कंसल्टेशन होता है या पर्सनली मिलने आते हैं, वीडियो कॉल ऑडियो कॉल होते रहता है, और स्पेसिफिक एक क्लास जो है वो ऐसा ग्रुप है कि जो बोलते हैं कि हम हमारे पत्नी को 15 दिन में एक बार मिलते हैं, टूर पे जाना पड़ता है, या फिर कहीं और दूर है और 2-3 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार मिलते हैं, या फिर दोनों भी कोई IT कंपनी में है, सुबह से रात तक काम काम काम, प्रेशर टेंशन है, तो सेक्स का मन में भी नहीं आता है ख्याल, सैटरडे संडे ऑफ रहता है, पुणे में रहते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, बड़े सिटीज में है, शनिवार रविवार रहता है, फिर शनिवार रविवार सब काम करो और फिर आराम भी करो सेक्स भी करो, तो उनका शेड्यूल रहता है सैटरडे संडे, तो काम भी चालू रहते हैं, उनको लगता है कि सेक्स होना चाहिए, फिर उनको ऐसा लगता है कि भाई मैं तो एक बार करता हूँ और बाद में इरेक्शन नहीं होता है और चलना तो 2 दिन चाहिए, तो फिर उनको मैं काउंसलिंग करके समझाता हूँ जो मैं अभी आपके सामने बताने वाला हूँ। क्या है कि टाडालाफिल यदि आप दवा लेते हैं और उसके साथ साथ बेंजोडाइजेपिन्स या उसमें डाइजीपाम या अल्प्राजोलाम या थायराइडिजिन या फिर क्लोमिप्रामिन जैसी एंटी डिप्रेसेंट्स ये मिक्स करते हैं, ऐसे हमने स्पेशल दवाई बना के ली हुई है, तो ये दवाई आप लेते हैं उसके साथ में ऐसे मिक्सचर है 3-4 गोलियों का कि जो इजैकुलेशन को इनहिबिट कर दिया, तो मैं उनको बोलता हूँ ये 1 गोली या 2 गोली वो खा लो 2 घंटा पहले 3 घंटा पहले, टाडालाफिल भी गोली खा लो 20 मिलीग्राम की, और फिर इसके साथ साथ आपने एनिस्थेटाइज्ड कंडोम का इस्तेमाल करना है या लोकल स्प्रे पेनिस के ऊपर मारना है और काफ़ी फोर प्ले करना है, बहुत ज़्यादा फोर प्ले करना है, उसमें क्लाइट्रल स्टिम्युलेशन करो, फिंगरिंग करो, काफ़ी सारा जोश एक्साइटमेंट अराउजल पत्नी का हो जाएगा, उसको बहुत जोश आएगा, आपका भी अच्छा इरेक्शन हो जाएगा, और फिर आपने इंसर्ट करना है, इंसर्ट करने के बाद में थोड़े समय तक इंसर्ट करके फिक्शन करो और बाद में बाहर निकाल लो, स्टार्ट एंड स्टॉप टेक्निक का इस्तेमाल करो, स्टार्ट करो स्टॉप करो, फिर थोड़ा स्टार्ट करना है फिर स्टॉप करना है, या फिर उसके साथ साथ स्क्वीज करो और उसको लूज करो ताकि आपका इजैकुलेशन होगा नहीं, उस समय आप डाइवर्ट कर सकते हैं अपना अटेंशन, कोई स्ट्रेस वाला टेंशन वाला विचार ला सकते हैं या और कहीं तभी इधर उधर ख्याल ला सकते हैं, बाजू हो जा सकते हैं, सैटरडे संडे है कुछ तो भी काम करना है वो काम कर लो, अभी क्योंकि ये आपका इजैकुलेशन हुआ नहीं है पुरुष का तो उसको एक्साइटमेंट फिर कभी भी आ सकता है, फिर थोड़ी देर के बाद में फिर फोर प्ले करो, काफ़ी समय तक फोर प्ले करो, जितना ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है, थोड़ा इंसर्शन करो, फिर स्क्विज टेक्निक का इस्तेमाल करो, लोकल स्टे एनिस्थेटाइज कंडोम्स इसका इस्तेमाल करो, स्क्विज टेक्निक है, फिर कुछ रिंग्स है वो हम लगाने के लिए देते कि एट द बेस ऑफ द पेनिस यहाँ रिंग्स लगाओ टाइट ताकि इजैकुलेशन नहीं होगा, फिर स्क्विज करो और फिर अपना काम करो, फिर खाना भी ना खाओ, खाना तैयार करो, मतलब दोनों ही हस्बैंड वाइफ है बच्चे हैं तो तुम जो खाना करो, कुछ टीवी देखना है, फिर आप मतलब इस तरह से आप सैटरडे नाइट संडे दिन संडे नाइट ये पूरा आप एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को होता क्या है कि 35-40 की उम्र के बाद में एक बार कर लिया तो उनको सेकंड टाइम करने की इच्छा नहीं होती, इतना कि कुछ लोग बोलते कि भाई देखने का भी दिल नहीं करता, और फिर औरत को ऐसा लगता है कि नहीं भाई और करना चाहिए, उसकी तो मतलब संतुष्टि नहीं हुई, पहले बार एक ही बार किया वो भी जल्दी हो गया, और फिर उसको लगता है कि अपन अधूरे हैं, फिर झंझट झगड़ा प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, तो इसलिए ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ इसका इस्तेमाल करते हैं कि भाई इजैकुलेशन नहीं करना है, जितना इजैकुलेशन करना है मतलब जितना आप इजैकुलेशन को लेट करेंगे या करेंगे ही नहीं, इजैकुलेटिंग नहीं करना है 2 दिन तक, तो फिर आप दोनों दिन एंजॉय कर सकते हो और फाइनल जब आपको अभी सोने का है और संडे रात को तो आप इजैकुलेट कर डालो और सो जाओ। इस तरह से नॉर्मल एवरेज टाइम कितना है, नॉर्मल एवरेज टाइम है 5 मिनट 40 सेकंड, अलग अलग स्टडीज में ऐसा बोला गया है कि 5 मिनट 40 सेकंड ये एवरेज टाइम है, तो 5 मिनट 40 सेकंड का टाइम है मगर उसके पहले फोर प्ले आपने 10 से 15 मिनट तक करना चाहिए, और वो करते हैं तो जो आपकी महिला पार्टनर है उसको एक्साइटमेंट आएगा, जोश आएगा, उस समय क्लाइटोरल स्टिमुलेशन करते हैं, फिंगरिंग करते हैं, वजाइनल स्टिमुलेशन करते हैं और बाद में इंसर्शन करते हैं तो एक ही इसमें ठीक हो जाएगा, मगर आपको सैटरडे संडे एंजॉय करना है तो इस तरह का आप कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता समझो इजैकुलेशन हो गया सैटरडे को, तो आपने टाडालाफिल ली हुई है और टाडालाफिल आपने ली हुई है तो उससे 1-2-3 घंटे के बाद में फिर इरेक्शन आ जाएगा, फिर हम ऑयल देते हैं, ऑयल से आप मालिश करते हैं तो उससे भी इरेक्शन आ सकता है सेकंड टाइम थर्ड टाइम, हम कुछ बोलते हैं कि नहीं सेक्स की वीडियो देखो पॉर्न वीडियो देखो उससे भी आपको एक्साइटमेंट आ जाएगा सेकंड टाइम थर्ड टाइम करना है तो खुदा ना खास्ता समझो कुछ इजैकुलेशन हो भी गया तभी सेकंड टाइम इरेक्शन आ सकता है क्योंकि आपने कुछ ना कुछ PDE5 इनहिबिटर्स सिल्डेनाफिल टाडालाफिल ये दवाई ली हुई।
तो इस तरह से आप सेक्स कर सकते हैं और आपका लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर वो लोगों को शेयर करो कि जो लोग बहुत दिन के बाद में साथ में आते हैं, सोते हैं पति पत्नी, या ये अभी आजकल तो ऐसा हो गया है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, महीने में एक दो बार तो मिल ही लेते हैं, सेक्स कर लेते हैं और बहुत कॉमन हो चुका है आज। और फिर उनका कहना ये रहता है कि मैं गर्लफ्रेंड को एक महीने के बाद में कभी कभी मौका आता है और उस समय जल्दी हो जाता है। तो आप उस समय भी ये सब इस्तेमाल आप कर सकते हैं ताकि आप ज़्यादा समय तक एंजॉय कर सकेंगे। इसका मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में सेक्स करना चाहिए, वो मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। जो क्वेरीज आती है, इंक्वायरीज, उसके लिए बता रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच। काफ़ी बार हमारे पेशेंट्स ऐसा हमें पूछते हैं कि हमें सिल्डेनाफिल मतलब वायग्रा टैलाफिल ऐसी एलोपैथी की दवाई नहीं होना और हमें आयुर्वेदिक चाहिए। तो मैंने स्पेशली यह ब्रांड बना के लिया हुआ है हॉट स्टेमिना। तो स्पेशली मैंने बोल के बना के लिया हुआ है कंपनी के तरफ से। ये कैप्सूल है, ये 10 कैप्सूल्स है और ये पूरा डब्बा मिलता है। तो इसमें मेनली जो है जो काम का है वो है गोल्ड है। इसमें गोल्ड मतलब सोना, शिलाजीत, मुसई, केसर एंड शुद्ध मकर ध्वज। ये हॉट स्टेमिना करके ये नाम से मिलता है। ये आपको ये चाहिए तो आप नीचे जो लिंक दी हुई है उसके ऊपर क्लिक करके आपका ये पैक आप ऑर्डर कर सकते हैं, जिसमें डेफिनेटली आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, ताकत आएंगी, विगर वाइटलिटी बढ़ेंगी, जोश जुनून उत्साह आएगा। थैंक यू वेरी मच। सेक्स समस्याओं के बारे में मेरे काफ़ी सारे वीडियोस हैं, उसका हमने एक ऑनलाइन वीडियो रिकॉर्डिंग करके वर्कशॉप एक कोर्स बनाया हुआ है। वो कोर्स जो है ऑनलाइन कोर्स, उसमें करीब करीब 60 वीडियोज़ हैं और उसमें हिप्नोटिज्म की भी है कि हिप्नोटिज्म के माध्यम से नपुंसकत्व, शीघ्र पतन ये कैसे ठीक करना और काफ़ी सारी सेक्स समस्याओं के बारे में जानकारी दी हुई है। वो समस्याओं की जानकारी से आपकी सभी सेक्स समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो ये आप ऑनलाइन रिकॉर्डिंग कोर्स जो है, तो ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड कोर्स आप हमारे ऐप से ले सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है, लिंक दी हुई है ऐप की। और वैसे ही आप टेलीग्राम ग्रुप से आप यदि जुड़ जाते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाते हैं या वेबसाइट से, तो आपको ये ऑनलाइन कोर्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। ये ऑनलाइन कोर्स करके आपके सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आप नीचे जो नंबर दिए उसके ऊपर भी कॉल करके वो ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हैं। इंस्टामोजू की भी लिंक दी हुई है, उसमें आप डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।